तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कल जाते जाते एक पढ़ा था कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन, और एक सिंपल सी बात समझ में आई कि के आर कैसे निकालना है। के आर इज इक्वल टू ए, बस किसी क्वेश्चन में आ सकता है आपका रोटेशन कॉस्ट, तो बस उतना आपको ध्यान रखना कि कैसे का। बस खत्म हो गया टॉपिक, क्वेश्चन उठा रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पांच नंबर का क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में आया हो। देखता हूं कितने गहरे पानी में अभी का है, दिसंबर 2021 का पांच नंबर का क्वेश्चन। ठीक, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू लिखा है सब सब, ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बी लिमिटेड, डिबेंचर से 6 लाख रुपए की, रिटेंड अर्निंग है 4.5 लाख रुपए और 4,500 इक्विटी शेयर है 100 रुपए का एक। करेंटली द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का मार्केट वैल्यू कितना दिया भाई, 110। गुड आफ्टरनून। और इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना दिया, 180। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर 24%, और टैक्स रेट कितना है 30%। आपको WACC निकालना किसके हिसाब से, मार्केट वैल्यू में करें। सबसे पहले क्या निकालोगे, केडी, ठीक है केडी निकालते, और के निकालोगे कि नहीं निकालोगे, के भी निकालना पड़ेगा। तो अच्छा ये किसी और के लिए, कोई इक्विटी शेयर होल्डर के लिए थोड़ी ना यार। हाँ के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही असल बात ना, दिक्कत ये, इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये लगता है मन में। ठीक है कि यार के ही भी दे दिया, ऐसा कुछ होता है। आंसर क्या आएगा, चार, सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चे, नहीं दो, टू इंटू टू चार, पर इतना इजी तो नहीं हो सकता यार, सबसे नहीं सोचना है ज्यादा भाई, नहीं सोचना, और फिर पता नहीं क्या गुना भाग प्लस माइनस, बहुत ज्यादा गहराई से नहीं सोच रहा हमको। ठीक, 24 दिया, 24 लिखेगी कैलकुलेशन। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सबसे पहले केई, और केई दिया है 24%, और निकालना है केडी। केडी का फॉर्मूला आई वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसिट्स इनटू 100, रिडेम्पशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। बताओ आई कितना, 12, 100 रुपए का 12%। ठीक, वन माइनस टैक्स का रेट कितना है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 110। ठीक, अभी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, WACC टेबल बना के करें या ऐसे ही कर ले,
टेबल बनाते यार, पांच नंबर मतलब 8 मिनट का टाइम है, इज्जत किस। कुछ बच्चे ना कैपिटल वेस्टिंग में ऐसा बोलते थे सर इतना टाइम लग जाता है क्वेश्चन बनाने में, तो आपका जो है 10 या 18 मिनट में क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो वो टाइम कहाँ कहाँ से आता है, वो टाइम हमें एक्स्ट्रा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा। ठीक, पहला आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ही तो है हमारे पास। ओहो, रिटर्न अर्निंग आएगा कि नहीं आएगा, के ही भी 24% और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो के आर भी 24%। डिबेंचर और इक्विटी, मार्केट वैल्यू 6000 × 110, छ लाख 60,000, इक्विटी 4500 × 180, 8,10,000 टोटल कर लो इसका, वेट ले लेते हैं 0.449.551, स्पेसिफिक कॉस्ट भी निकाला है आपने, इसका कितना है और इसका 24.3.22 आंसर आ जाएगा। मैं पहले आयुष पे ट्रस्ट किया था, फिर पता नहीं कैसे ट्रस्ट किसी और पे कर लिए, होता है। कितना आ रहा है आंसर, ये बातें मैं माइक पर नहीं बोल सकता। 16.65 पर कितना नंबर मिलेगा, 5। देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टिंग में किस हद तक परफॉर्मेंस करते हो, है ही सैटरडे को टिश। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा प्रॉपरली, हाँ प्रॉपर, उसमें थियोरी भी रहेगा, कैसे करोगे वो मैं नहीं जानता, थियोरी भी रहेगा, जैसे आता है पेपर वैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, 1A 1B 1C 1D, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, जैसे पेपर आएगा वैसे ही रहेगा। चले अरे थियोरी कुछ नहीं आएगी, IRR क्या है, IRR और वो ही जो मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं है, बस उसको लिखोगे कैसे वो आप जानो, और उसको पढ़ना भी नहीं, बिना पढ़े सोचो क्या लिखोगे, मजा तो वही है यार, पता है लिखना कैसे वो आप जानोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पर, वाओ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, करने लायक क्वेश्चन, एमटीपी में डला हुआ है अप्रैल 2022 की एमटी, आरटीपी समझते हो, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस डले रहते हैं ना, क्या वो एग्जाम में आते हैं, आते हैं, कब आते हैं, आरटीपी में डलने से पहले, वो जो एग्जाम में आया उसको वो आरटीपी में डाल देता, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है।
तो वो वाले जो नए नए क्वेश्चन आते ना वो आरटीपी में डाल देता है फिर। ये तो देखते हैं क्या आपके लिए है ये तो टेस्ट। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आरवी लिमिटेड 31 मार्च और बैलेंस शीट दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटर्न अर्निंग्स है और 13% डिबेंचर। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? 50 रुपए। एक्सपेक्टेड शब्द लिखा हुआ है मतलब ये D1 हो गया, 3 रुपए। डिविडेंड पर शेयर ग्रोथ रेट कितना दिया है? 8%। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, बड़ा वाला फॉर्मूला, आफ्टर 8 ईयर्स एंड करंट मार्केट प्राइस है 80 रुपए। डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स और अभी कितने का बिक रहा है? 90 रुपए का। टैक्स का रेट कितना है? 35%। कैलकुलेट WACC बुक वैल्यू प्रोपोर्शन और मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन। अच्छा क्वेश्चन है, क्या KE निकालना पड़ेगा? यस, KP नहीं लिखना है कि नहीं लिखना है? रिटर्न एक चीज डिसाइड कर लो, लिखना है कि नहीं लिखना। आपको जो कन्वीनियंस है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, बुक वैल्यू में लिखना है, मार्केट वैल्यू में नहीं लिखना है, ठीक है चलेगा। ठीक है ना, मिलेंगे अभी, बुक वैल्यू निकालोगे ना तब हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो स्पेसिफिक कॉस्ट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले क्या निकालना पसंद करोगे? एक और बात बताऊं कि आप लोगों में और मुझ में, हम सब मिलके क्वेश्चन कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सिर्फ मैं ही लिखता हूं कि आप लोग भी लिखते? बस मैं ही लिखता हूँ ना, मैं जानता था कि मैं ही लिखूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि एग्जाम मुझे देना है। ऐसा प्यार से लिखो, प्यार से लिख लिया करो, अच्छा लगता है यार, चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा। P1 P0 लजी D1 कितना है? P/50 कितना आ गया यार? 14। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। AP is equal to PD1 minus tax. हाँ मैं चेक कर, ठीक है डिविडेंड कितना जाएगा भाई? 10। प्लस आरवी, कुछ नहीं बोला तो 100 माइनस 80। कुछ बच्चे इसको डिवाइड नहीं करते, डिवाइड करना पड़ेगा है ना,
बताया करो वो अगले लेक्चर में बोलने के काम है। 80 माइनस 80 सही है ना, ये डिवाइड किससे करूंगा भाई, डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ रहा है, 13.89%। और कुछ बचा है क्या, केडी केडी इज इक्वल टू आई वन माइनस टैक्स आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन और आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। आज मैं सुबह सीए फाइनल में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा रहा था, ये फॉर्मूला जैसे ही लिखा बच्चे बोलते सर रहने तो याद नहीं कर पाएंगे, मन का शर्म आनी चाहिए, फाइनल वाले बच्चे बोलते याद नहीं हो पाएगा सर। और फाइनल वाले को ये तो समझ में आना चाहिए इंटर पढ़ के आए हैं। तो आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 100 रुपए का 13% हो गया 13 1 माइनस 0.35 प्लस आरवी, आरवी कितना 100 माइनस 90 कि 90 माइनस 100, 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 × 100। ठीक है जी, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, डब्ल्यू एस पहले किससे, बुक वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू सी, याद रखना ये आपका पहला चैप्टर है, इसका यूज होता है सुना, इसका यूज आगे होने वाला है। जब आप ना आगे पढ़ोगे एक चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, वहां डिस्काउंटिंग रेट बोलूंगा तब इसकी जरूरत पड़ती वहां के। दुख की बात ये है कि ऑलरेडी पहले पढ़ लिया कैपिटल बजटिंग, जबकि पहले ये पढ़ोगे और इसका यूज वहां करोगे। हुआ था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप बोलते भी थे डिस्काउंटिंग रेट, यही तो था वो। हाँ निकाल कर देगा ऐसा नहीं, हाँ मतलब 20-25 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए तो है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दिख रहा है 5 या 10 जो छोटा वाला क्वेश्चन होगा, कैपिटल बस्टिंग तो 10 नंबर, 5 नहीं 10 से ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं आते, तो 10, 10 के 2 और 1 5 का ऐसा भी आ जाता कई बार, क्या मतलब 25 नंबर अकेला चैप्टर ले जाता। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल रिटर्न अर्निंग लिखना है कि नहीं लिखना, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो आपकी मर्जी, आंसर तो एक ही आएगा, मैं लिख लेता हूं आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। रिटर्न अर्निंग डिबेंचर बुक वैल्यू 25 लाख, 5 लाख
5 लाख और 20 लाख, टोटल कितना है यार? 55 लाख। अभी क्या है जाएगा? वेट 0.4551.091.036, ठीक। स्पेसिफिक कॉस्ट निकाला है आपने ऑलरेडी, दिया हुआ था शायद 24%, पिछला क्वेश्चन था। यहाँ कितना आया था? 14, 13.89, 14 और 11। मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर बताओ। 90 डब्ल्यू एस। ठीक है ना? अभी किससे कर रहे हैं? मार्केट आप बनाना स्टार्ट कर दिया हो ना? ठीक है, अब मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, देखते पहले किसका होता। मैं बिना कैलकुलेटर के करूंगा, ठीक है। नहीं, प्रॉपर करूंगा, प्रॉपर प्रॉपर, ठीक है। आंसर इसमें नहीं है ना? अगर गलत आया तो 100 रुपए फाइन है ना? अब मालूम कोई आंसर ही नहीं देगा और पहला मेरा ही होने वाला। मार्केट वैल्यू तो भाई हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या है हमारे पास? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिटर्न अर्निंग लिखना है कि नहीं लिखना, वो आपको पता लग गया ना कि कब लिखना कब नहीं लिखना। और डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 250,000 इंटू 50 कितना आ रहा है? 125। और 5 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 × 80 4 लाख, 20 लाख, 100 मतलब 20,000 इंटू 90 टोटल कर देंगे 1,47,00,000 है ना? वेट की बात कर लेते, 0.8500 027 1 double स्पेसिफिक कॉस्ट कितना निकाला था भाई? 14 13.88 11। चलो
WSSC मेरे बिना ये क्वेश्चन बना सकते थे क्या, है ना? नहीं बना सकते थे देखकर क्या लग रहा है कि बन सकता आपसे कि नहीं बन सकता? पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो। याद रखना कि किससे पूछ रहा है, मार्केट में। नहीं दिया तो जो दिया वही ले लेंगे, 10 लाख का 10 लाख, 30 लाख का 30 लाख। ठीक है, होमवर्क। हाँ वाओ, क्वेश्चन नंबर 39, रुक जाओ अभी 39, रुक। क्वेश्चन नंबर 40, पहले क्वेश्चन नंबर 40 पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि नहीं आपको? ये क्वेश्चन है 5 नंबर का और आपके पास टाइम है 8 मिनट का, पढ़ना भी है करना भी है प्रॉपर प्रेजेंटेशन, मतलब 4 बजा है, 4:08 से पहले पहले खत्म होना चाहिए। कोई मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा और कोशिश करना आपस में भी बात। इसका आंसर कितना आ रहा है फाइनल? 12.08.06.09 के आसपास। ठीक है, चल जाएगा इतना अलाउ। तो हम सबसे पहले करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा क्वेश्चन है, एसके लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड फंड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। स्पेसिफिक कॉस्ट जो आप निकाल रहे थे बोले मत निकालिए, तो निकाल कर दे दिया। बस ये 9% बिफोर टैक्स है तो इसको आफ्टर टैक्स कर। 30 लाख है, 8 लाख है, रिटर्न अर्निंग है 12 लाख और 10 लाख। ध्यान से देखना, इक्विटी का रेट कितना दिया है, केई कितना दिया है 15% और केआर कितना दिया है 11%। क्या दोनों अलग अलग है? तो अलग अलग दिखाना ही पड़ेगा। और WSSC निकालना है और टैक्स का रेट दिया है 30%। अब सवाल ये है, सुनो ना, अलग अलग लिखना है कि नहीं लिखना है? और अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, और इसमें कुछ बोला है क्या? ये तो वैसे भी हम अलग अलग कर रहे थे और ये वैसे भी कुछ नहीं बोला, तो कौन सी वेट से करेंगे? बुक वैल्यू तो कोई समस्या है इसमें? तो कोई समस्या होना ही नहीं है, पर मैं पैदा करूंगा यूजिंग मार्केट वैल्यू, मतलब चलो किसी और क्वेश्चन में मिलूंगा इसको, तो इसको होमवर्क में डाल। करने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, करने लायक क्वेश्चन नहीं वैसे कुछ। उसको आफ्टर टैक्स करना 9.1-0.3। ये बिफोर टैक्स दिया तो उसको आफ्टर टैक्स करना, ये तो झेल ही नहीं पाओगे।
ये वाला ये क्या लिखा है, ये कह रहे हो कि ये क्या लिखा है? ये क्या है पास, ये वन है ना? पहली बात ये क्वेश्चन नहीं बना सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में रिजर्व आंसर प्लस था और कल मैंने, अच्छा कल पढ़ा दिया था, हाँ वो गलती से दे दी, मैंने ये देखा नहीं होगा, पर फिर भी ये 2005 है कि 2015 है? 15 वो ठीक से लिख सकता था पर अभी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे अभी नहीं करना उसको कुछ। गुड, ये वाला क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 39, लो मैं जो चाहता था वो हो गया। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर 80 लाख दिया और मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 1,60,00,000। प्रेफरेंस शेयर दे रखा है 20 लाख और 24 लाख, 11% डिबेंचर 60 लाख और 66 लाख, और रिटर्न अर्निंग का तो क्या मार्केट वैल्यू दिया है? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें कवर हो चुका। करंट प्राइस ऑफ शेयर्स दे रखा है 200, इजी हो गया। फॉर द लास्ट ईयर द कंपनी हैड पैट 25%, मतलब 0% में दिया है, तो इसको रुपीज में तो निकाल ही सकते हो आप लोग। और डिविडेंड ग्रोथ रेट कितना दिया है? 5%। कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया है? 30%। शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स कितना दिया है? 20%। समस्या क्या है मालूम? एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन इधर उधर करे कर दिया मान लो, तो आप कहोगे रहने तो अब नहीं होने वाला हमसे, यही लग रहा होगा अभी आपको। शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सबसे पहले, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या क्या निकालना पड़ेगा, केई केपी केडी केआर निकाल लेंगे, डब्ल्यूएससीसी किस के हिसाब से बुक वैल्यू और डब्ल्यूएससीसी मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ई इज इक्वल पी वन पी जीरो प्लस जी पच्चीस। मैं लिखा का मैं तो लिख रहा हूं ना वन प्लस ऐसा यार, मैं तो वन पॉइंट मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो लिखा ही नहीं था अभी पूरा डिवाइडेड बाय।
पी जीरो कितना है? 200। ये इसको ठीक से लिख लो। चलो कोई कितना गए? 14 पॉइंट। क्या निकाल रहे इसके बाद? केपी। रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है। रिडेम्पशन के लिए कुछ बोला कितने साल में रिडीम्ड होगा ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो क्या सीधा काम हो सकता है? अब क्या निकाल रहे हो आप? केडी निकालिए ना। अब आप इसको छोड़ो, बताइए अपना काम कर रहा हूं। चलो कहां तक पहुंच गए हम? कॉस्ट ऑफ डेट केडी के लिए सीधा लिख दो आई वन माइनस टैक्स। आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो कितना आ गए हैं? 1 चीज निकालना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? ए इज इक्वल टू के ई नहीं के आर निकाल रहे हैं ना यार हम लोग। K, 1 माइनस पर्सनल टैक्स। हाँ क्यों का जवाब देने वाला हूं, अभी पहले ये करना पड़ेगा। 1 माइनस पर्सनल टैक्स तो कितना है? 18.13 1 माइनस पॉइंट।
नहीं ये तो मैंने निकाल लिया था ना, मैं यहाँ वही वाला काम कर रहा था यार। हे भगवान, खुश, ठीक ठीक अब कॉन्सेप्ट समझ ले। तो आपका कितना डिविडेंड देने का सोच रहे थे? 25 × 1.05 करके कितना आ रहा था? 26.25। यही बात है। अगर मैं इतना आपको डिविडेंड ना दूं, मान लो मैं रिटर्न कर लेता हूं, ये 26.25 × 1.0, नहीं मुझे नहीं मालूम, 25 × 1.0, ठीक होता है, होता है। अब सुनो ध्यान, मैं 26 रुपए 25 पैसे डिविडेंड है, और सवाल ये है कि अगर मैं इसको रिटर्न कर लेता हूं तो किसका लॉस है अल्टीमेटली? ये 26 रुपए 25 पैसे किसको मिलना था? आपको। और अगर इसको मैं आपको नहीं देता हूं तो आप ही का तो लॉस है, आप ही का सेक्रीफाइस हो रहा है ये पैसे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो मान लो मैं आपको दे देता पैसे, क्या करते इसका? करते क्या? तो इनकम के क्या घर में रखते? कुछ ना कुछ तो करते। इन्वेस्ट आप में तो दम नहीं है, तभी आपने कंपनी को दिया पैसा कि प्लीज आप इन्वेस्ट करो करके। इट मींस आप कंपनी को ही देते वापस, और कंपनी को वो देते तो कंपनी कहती कि ठीक है भाई आपको कितना मिल रहा था वैसे, अगर आप शेयर खरीदते तो कितना मिल रहा था? 18.13, तो हम आपको 18.13 ही देंगे, कोई दिक्कत? आपके पैसों का अगर मैं यूज कर लेता तो मैं आपको 18.13% ही देता, ठीक? चलो हम सोचते, चलो मान लो देते, आपको पैसे मिलते कितने? मिलते 26.25 आपकी इनकम, और जैसे ही पैसे मिलते मैंने कहा लाओ आप मुझे दो, और जैसे ही आप देने जाते तो एक बंदा आपको मिलता टैक्स वाला, तो कहाँ जा रहे हो? टैक्स दो हमारा, सब इनकम हुई। चलो तो इनकम कटेगा टैक्स काटने के बाद, टैक्स का रेट क्या है भाई? 20% इंडिविजुअल का, याद है एक होता था रेसिडेंट, वो तो पढ़ा होगा ना टैक्स में, इंडिविजुअल कंपनी, तो इंडिविजुअल का टैक्स है कितना परसेंट? 20% काट के बोलो पैसा कितना बचा आपकी? पक्का 21 रुपए आप कंपनी में लगाते हैं, और 21 रुपए पे कंपनी आपको एग्री है 18.13% देने को। निकालो 21 रुपए का 18.13, तो आपकी एक्चुअल में इस पे कंपनी आपको देती 3.8073। आपकी इतनी कमाई हो रही है, कितना खर्च हुआ उसके पीछे? आपका कितना खर्च हुआ? हाँ सोचो, तो आपकी नो डाउट इतनी की कमाई हो रही, पर इसके लिए आपका पैसा बर्बाद हुआ, कितना हुआ? 21 × 26.25। आराम से सोचना, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो पैसा आप मुझे दे रहे हो, आप तो 21 रुपए दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपका जेब का टोटल खर्च मालूम है कितना हो गया? 26 रुपए 25। तो 26 रुपए 25 पैसे पे आप इतना कमा रहे हो, तो परसेंटेज निकाल सकते हो क्या? निकालो, तो आएगा। मैं आपसे बस यही बोल रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकालते समय, क्योंकि बात पूरी घुमाने की बात हो रही है कि हमारा पैसा यार डिविडेंड का पैसा, तो कंपनी भी लड़ने को तैयार है। डिविडेंड का पैसा ना चलो देते, क्या हो जाता? टैक्स वाला ले जाता, और टैक्स वाला ले जाता तो एक्चुअल में आपका रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट मालूम है कितना है? 18.13 नहीं है, कितना है? 14.50। लॉजिक ये है, रट्टा मारेंगे कि जब भी शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स दिया रहेगा तो केआर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा केई 1 − पर्सनल टैक्स। नहीं एक्चुअली ना किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है ना मुझे, तो हम मिनिमम कॉस्ट देखते कि यार हमें कितनी कमाई होना ही चाहिए,
आप बात सही बोल रहे हो कि सर 18 हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरा ये कहना है कि मैं आपका पैसा रख ही रहा हूं और मुझे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और प्रोजेक्ट का जो रिटर्न आने वाला है ना वो 15% आने वाला है, ठीक है। अब सवाल है कि 15% पे ये रिटर्न आने का पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। हाँ प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं तो 15% की कमाई होगी। अब सवाल है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप इसको देख रहे हो। अगर मैं इसको देखूं तो बस यही है कि हमारे पास जो पैसा है ना हमारी मिनिमम यार आपको मैं आपको मिल भी दे जाता तो क्या होता, हम ये सोच के कर रहे यार 14.5% तो किसी भी हालत में आपकी कमाई है तो मुझे 15% मिल रहा ना तो लगा लेना चाहिए, पर ये तो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। इसलिए हम ये पर्सनल टैक्स माइनस कर रहे हैं यार। चलो अगर ऐसा हो भी जाता तो आपका कितना खर्चा होता, हम ये मान के चल रहे अगर ऐसा हो जाता तो, ठीक है। तो आपने नोट लिख लिया होगा शायद या फिर लिख लेना, अगर पर्सनल टैक्स दिया है, लिखवा दूं क्या, लिख लिया हो? हिंदी कैसी आपकी? साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं ना वो सबसे पहले हिंदी सीखते हैं फिर मेरी क्लास परचेस कर, ये कंडीशन है। अगर पर्सनल टैक्स दिया है तो, और ऊपर से मैं दशमलव बोलता हूँ ना या फिर प्रतिशत बोलता हूँ तो वो बोलते सर ये तो कम से कम अंग्रेजी में बोल दो। तो अगर पर्सनल टैक्स दिया है तो क्या करना है, तो के ही ऐसे निकलेगा, नहीं के आर, के ई वन माइनस पर्सनल टैक्स। ठीक है, तो जब के ई और के आर अलग अलग आया तो आपके सामने समस्याएं खड़ी हो गई है, ठीक है। अब उस समस्याओं का समाधान कैसे होगा वो देखना। सबसे पहला काम है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं कौन से वेट से, बुक वेट। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने की, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू सी सी। बुक वैल्यू या प्रेफरेंशियल कैपिटल भी है, यस, या डिबेंचर भी है, यस, या रिटर्न अर्निंग भी है, अस्सी लाख, 20 लाख, 20 लाख। अच्छा एक बात बताओ, वजह बताना, क्या हमें इसमें इक्विटी और रिटर्न अलग अलग लिखना पड़ेगा? यस, वजह? अच्छा, और नहीं होता तो फिर पूछने बताने वाला क्या है? वैसे भी अलग अलग करते, ऐसे भी अलग, सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे कि रेट अलग अलग दिया, करना ही है, ठीक। मुझे उम्मीद थी जवाब यही देने।
हम ऐसे भी वैसे ही कर रहे थे, अलग ही कर रहे थे. ठीक, बताओगे के ही कितना? अच्छा वेट बता, 0.4, 0.1, 0.30 और 0.18.1397.6 मल्टीप्लाई करके मुझे सीधा आंसर 13.36 आ गया. हाँ जी, 1,60,00,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 120. चलो नहीं, ये कैसे आया बताया ना यार. नहीं पता है ना कैसे आया. चालीस, ठीक बनाओ इसको. हाँ अगर ये दोनों, ये भी 18.13 था, ये भी तो फिर तो आप काफी कर दो. तो बना लिया होगा.
अच्छा है। हाँ क्वेश्चन पर्सनल एक आध क्वेश्चन देख ले उस। अच्छा क्वेश्चन है करने जाओगे ईपीएस है ना ईपीएस ईपीएस पहले 1 रुपया अर्निंग थी फिर 1 रुपए 12 पैसे हुई फिर 1 रुपए 1.2 या मतलब ग्रो हो रहा है तो ग्रोथ निकालने के लिए आएगा शायद कि कितने परसेंट का ग्रोथ हो रहा है। आपका आंसर 12% आ रहा होगा पर इतने जल्दी नहीं निकालेंगे हम लोग भले वो 1 मिनट में निकल जाएगा हम थोड़ा घुमा फिरा कर निकालेंगे आंसर 12% ही आएगा पर इस क्वेश्चन को मैं ये मैंने होमवर्क दिया हूँ कि 51 अभी क्या दिक्कत हो रही है अब तो हो ही सकता है अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा है एक ही बड़ा क्वेश्चन है और यहाँ अभी स्टार्ट करूंगा उसको तो पता नहीं खत्म होगा कि नहीं और कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं है करना तो पड़ेगा रीड कर लेते हैं पढ़ लेते हैं एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। हाँ 23 छोटा है क्या चलो मेरे पास है बोर्ड में हाँ तो नहीं है तो मैं कैसे करवाऊंगा चलो तो यही पढ़ना पड़ेगा पढ़ने में क्या दिक्कत है पढ़ तो ले देखा RNG लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 31 मार्च 2015 विच इज कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमम हाँ अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर में देखोगे तो यार डिबेंचर्स भी है प्रेफरेंस शेयर्स भी है इक्विटी शेयर्स भी ये कितने का 360,000 का और ये 1,20 का 19,20 का तो एक बार यही मुझे वेट बता दोगे क्या अभी जो वेट के हिसाब से 13% डिबेंचर है प्रेफरेंस शेयर्स है और इक्विटी शेयर कैपिटल
मतलब 15% बोल दूं क्या सीधे, 15% या 0.5%, मतलब 80%। ठीक है, मैं समझ गया, 8 मतलब 80, मैं समझ गया था, बचा हुआ तो 80 ही आएगा यार। इसका मतलब ये है सर, ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि जब जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, जितने भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमारा पैसा हम इसी रेशो में मेंटेन रहे। इसका मतलब मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, अब मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो 5 लाख रुपए कहां से उठाऊंगा? तो 5 लाख का 15% कहां से? डिबेंचर से। 5 लाख का 5% प्रेफरेंस शेयर से, और 5 लाख का 80% इक्विटी से। ये शब्द कहां से मिल रहे हैं मुझे? ये लिख रहा कि ये ऑप्टिमम है, बेस्ट है, आगे जो भी होगा इसी के हिसाब से काम होगा। ठीक, कंपनी शेयर का करंट मार्केट प्राइस कितना दिख रहा है? 27.75। एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे दिया है, कितना दिया है? 50% ऑफ 2015 ईपीएस। ओहो, 2015 का ईपीएस कहां मिलेगा? ये दिया, देखा, बोला था ना काम आएगा। तो D1 निकल सकता है, ये वाला EPS इस इनटू कितना परसेंट कर देंगे? 50%, तो D1 निकल जाएगा। और ग्रोथ रेट कितना है? 12%, ये इन्होंने बताया था 12। कौन सा? वो बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा, बोले वो होगा 50% ऑफ 2015 का जो ईपीएस होगा उसका 50%, और 2015 का ईपीएस दिया है 2.773, उसका 50% कर। ठीक, द ईपीएस ऑफ लास्ट 10 इयर्स इज एज फॉलोस एंड द पास्ट ट्रेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। बोले जी ये 2015 कहाँ है, मैं यहाँ 2015 में खड़ा हूं, इसके पहले का डिविडेंड दे दिया, और बोले ये जिस ट्रेंड में ग्रो हो रहा है आगे भी उतना ही ग्रो होगा, और हमको निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है कर। हालांकि आपको दिख रहा है अभी कितना है, 1, फिर कितना हुआ है, मतलब कितने परसेंट से बढ़ा है? 12%। इसमें भी प्लस 12% करो, शायद ये आ जाएगा, इसमें 12% करो। ठीक, पर ऐसा हमेशा नहीं, कभी उल्टा सीधा दे दिया तो आपके होश उड़ जाएंगे, कभी 12 फिर कभी 15 फिर कभी 20 ऐसा हुआ, तो एक ट्रिक है निकालने की, वो मैं सिखा दूंगा। हाँ, कभी कुछ और होता तो आगे ग्रोथ कैसे करते, तो मैं इस क्वेश्चन में करवाऊंगा, एक ट्रिक है उससे करवाऊंगा कि कैसे करते। ठीक है, अभी तो हमको क्वेश्चन बनाना नहीं है ना यार, क्यों टेंशन ले। द कंपनी कैन इश्यू 14% न्यू डिबेंचर। डिबेंचर इश्यू करोगे ना नए वाले, तो रेट क्या रहेगा? 14%। द कंपनीज डिबेंचर इज करेंटली सेलिंग, अभी कितने का बिक रहा है? 98। न्यू प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे तो कितने का? 9.80 रुपए, और डिविडेंड कितना दिया जाएगा? 1.20 रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, D1 है कि D0 है? D1 पक्का, जरूरत ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर है उसमें तो हर साल एक जैसा होता है। बेकार का क्वेश्चन था, जवाब भी बेकार से दिया, प्रेफरेंस शेयर है ना यार, उसमें तो डिविडेंड एक जैसा रहेगा। ठीक, टैक्स का रेट है 50, टैक्स का रेट है 50%। ठीक, आपको आफ्टर टैक्स निकालना है न्यू डेट पे, मतलब केडी, वो तो ऐसे निकल जाएगा सर कैलकुलेटर में, 14 1 माइनस 0.5, मतलब 7% आ गए, और कॉस्ट ऑफ, लेकिन सुनो बच्चे, सुनो, ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ करंट प्राइस भी दिया है डिबेंचर का, तो मतलब आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? एनपी करना पड़ेगा, तो समझ गए। हाँ, थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई थी जल्दबाजी, ऐसे केपी भी निकाल सकते हो आप, केपी में 1.20 डिवाइडेड बाय 9.80 रुपए इंटू 100। ठीक, तो पहला वाला तो काम हो जाएगा, और क्या निकालना है? बोले और निकालना कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी एज्यूमिंग न्यू शेयर्स कम्स फ्रॉम रिटर्न।
मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि सर हम पैसों का अरेंजमेंट डेट से करते हैं, प्रेफरेंस शेयर से करते हैं और इक्विटी से करते हैं, पर नए शेयर इश्यू नहीं करते, हमारे पास जो पैसा है उसी को यूज करते हैं। मतलब केआर निकालना है, और केआर का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है? पर्सनल टैक्स, लेकिन दिया हो तब, दिया ही नहीं है इसमें तो पहले डी वन अपन पी जीरो प्लस जी उससे निकाल लेंगे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्टिंग, कौन कौन बच्चा पढ़ा हुआ है। अब मजा आएगा कल क्या निकालना हमको? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पढ़ के मत आ जाना उसका, उससे कोई लेना देना नहीं है। पता लगा पता लगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ के आ रहे हाँ हाँ, आपको मतलब नहीं है इससे। ठीक है, ये तो संभाल ही नहीं पाओगे। ठीक, थ्री और फोर, इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है कि ये बोल क्या रहा है ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको बाद में, अभी थोड़ा बहुत हमने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा समझने की कोशिश कर, कल इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। अगर क्वेश्चन आया, डेंजर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये सीए, आप किसी भी किताब में देख लीजिए, आप सीएमए की बुक में देखोगे ये क्वेश्चन मिलेगा, आप आईसीएसई जो चलता ना सीएस उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा, सीएफए में जाओगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा, ये फेमस क्वेश्चन सीए में तो है ही। ठीक है, तो कल डिस्कशन करेंगे भाई, आज की क्लास यहीं हुआ।